रेवाड़ी जिला की बावल विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जनसंपर्क अभियान के तहत अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते डॉक्टर कृष्ण कुमार ने आज क्षेत्र के विभिन्न गांवों का तूफानी दौरा किया। गांव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण कुमार ने दावा किया कि बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यही वजह है कि वे जिस भी गांव में जा रहे हैं उन्हें भरपूर जनसमर्थन और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इसी के चलते गांव टीट में पहुंचने पर ग्रामीणों ने डॉक्टर कृष्ण कुमार का ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया और पगड़ी पहनाते हुए जीत का भरोसा दिलाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बिना दक्षिण हरियाणा में भाजपा अधूरी है। भारत सरकार में रहकर राव इंद्रजीत सिंह ने इलाके के लिए जितने विकास कराए हैं वह किसी से छिपे नहीं है और इन्हीं विकास कार्यों की बदौलत दक्षिण हरियाणा में लगातार उन्नति हो रही है। यही वजह है कि उनकी जीत पूरी तरह सुनिश्चित हो चली है। डॉक्टर चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है, लगातार दौरे कर रहे हैं, आप किस तरह का समर्थन मिल रहा है टीट गांव में पहुंचे? देखो, आप सभी लोग आपके सामने हैं, टीट गांव के ग्रामीण किस तरह उत्साहित हैं और उन्होंने मेरा फूल मालाओं से, बैंड बाजे से और पगड़ी पहना के जो सम्मान किया है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार देखना चाहते हैं और ये जरूर विजय दिलाएंगे। क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, मुद्दा क्योंकि मैं एक अधिकारी भी रहा हूँ, 10 साल से केंद्र में सरकार भी रही है और हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार भी, तो सारे विकास के कार्य, सारी चीज़ें सारी जनता को पता है। तो मुद्दे बिल्कुल साफ हैं, विकास के हो, नौकरी के हो, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हर चीज़ के जो भी मुद्दे हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट किसी भी कार्य करने में पीछे नहीं हटेगी। मुकाबले की बात कर लें, लगातार दूसरे प्रत्याशी भी मैदान में, किस तरह का देखते हैं, किस नजर, क्या नजर? देखो, दूसरे प्रत्याशी का मेरे से कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से आप भारी जनसभा आप देख रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि मेरे मुकाबले में है कोई। डॉक्टर साहब, वो लगातार 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं जो आपके पक्ष में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो एक बार विधायक बने, उसके बाद वो लगातार आप लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि लोगों का क्या रुख है? अभी आप घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। देखो, ये बात ठीक है, वो 20 साल से थे, लेकिन जनता जनादेश से विधायक नहीं बने। हाँ जी, लेकिन जनता जनादेश सबसे बड़ा होता है। मैं भी अधिकारी के पद पर काम किया हूँ और मैंने जब यहाँ पे बतौर सिविल सर्विस कार्य था वो आप लोगों के मीडिया बंधुओं को सभी को पता है, विकास के कार्य, हेल्थ में मैंने किसी में भी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम था तो आपको याद हो 2019 में भी सेक्स रेशो हमारा करीब 870 से 916 पहुँच चुका था और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थी वो भी पहुँच चुकी थी और मैंने यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने कार्यकाल में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नेशनल लेवल पर एनक्वा सर्टिफाइड करवाया था। कि मैंने आपको अभी स्पीच में बताया, एक संस्कार होते हैं, अगर इंसान कर्मों से पहचाना जाता है ना कि कपड़ों से। प्रचार की बात कर ले, स्टार प्रचारक कोई आ रहा है प्रचार? स्टार प्रचारक अभी हमारे पास उन्होंने मांगी है सूची, तो अभी तो जनपद शुरू हुई है तो अभी धीरे धीरे, जैसे 22 तारीख को कुंड में हमारे पास माननीय राव इंद्रजीत सिंह कुंड में, एक बाउल में और एक भाड़ावास में रैली को संबोधित करेंगे, फिर सीएम साहब का मैसेज भी आ गया, तभी बड़े बड़े नेता भी शुरू हो जाएंगे आने, और एक हमारे हेम सिंह बढ़ाना राजस्थान से भी स्टार प्रचारक आए हैं, तो प्रचारकों की हमें कोई भी कमी नहीं है और आला कमान ये भी कह दिए कैसे भी प्रचारक सी आपको मिल जाएंगे। देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो एक जिले का अधिकारी भी रह चुका और स्टेट लेवल पर डायरेक्टर हेल्थ प्रसिद्ध, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा फर्क सा नहीं है, अब तो एक खाली ब्लॉक है तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये थोड़ी जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा होगी और इसमें काम थोड़े ज़्यादा दायरे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो, लेकिन विकास कार्य करने के लिए पैदा हुई है तो करेंगे। हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है, राव इंद्रजीत जी का है और समय समय पर पूरा कोल ब्लॉक, पावर ब्लॉक और गढ़ी बोलने ब्लॉक तीनों वे एकजुट होकर प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं, कृष्ण जी के साथ लगे हुए हैं। हमारे लिए एक चुनौती भरा सफ़र भी है, यही है कि लोगों की मंशा ये है कि वो एक बाहर से हैं, मगर मैं लोगों को एक बात ये बताना चाहती हूँ, वो लोगों बाहर से नहीं, लोगों पे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारे खोल से हैं और पहली बार कोई प्रत्याशी आया है वो खोल मंडल से आया है, तो प्रचार प्रसार जोरों से उठ रहा है और मैं ये कहती हूँ दिन दुनी रात नौ चौगनी होगी 8 तारीख को कमल। बहुत अच्छा समर्थन मिल जी, गाँव गाँव जा रहे हैं और पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र और पूरी विधानसभा, मुझे लगता है एक तरफा इलेक्शन चल रहा है हमारा। क्या उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह कांग्रेस भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, हमलावर है कहीं ना कहीं, कांग्रेस नहीं लगता कि कोई मुकाबले में भी है क्योंकि बावल विधानसभा से डॉक्टर साहब का एक तरफा माहौल बन चुका है क्योंकि मेन राजा राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद इनके साथ है और राजा जी ने अपनी पूरी टीम और अपने पूरे समर्थक, पूरे कार्यकर्ता और
कि पूरी टीम हम साथ चल रहे हैं और इनको हम भी चाहेंगे और पूरा क्षेत्र भी राजा राव इंद्रजीत सिंह से बहुत ही प्यार करता है और सभी उनको चाहते भी हैं। और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार बड़ी भारी बहुमत से विजय होंगे यहाँ से। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।